जो समाज पार्टी के आजाद समाज पार्टी के चीफ पे हमला हुआ चंद्रशेखर पे, उसको किस तरह देखा? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों के मन बढ़े हुए हैं और सरकार तो झूठा ढिंढोरा पीट रही है। जब थानों में, पुलिस सुरक्षा में, अदालतों में हत्याएं हो जाएं, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो फिर अभी जिस तरह से यूसीसी जो चल रहा है, समान नागरिक संहिता का बिल आने वाला है, आपको क्या लग रहा है? सत्र में ला सकती है सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, जब चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मुद्दे ढूंढते हैं, इसी तरीके से प्रचार करेंगे। करेंगे कुछ नहीं, न करना है न कर हो पाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें आएंगी। चुनाव के वक्त आएंगे, चुनाव का वक्त आ रहा है, तो इस तरीके की बातें उठेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परेशान कर दिया है जनता को। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, इस पर बात नहीं चलेगी। और जब चुनाव आएंगे तो ऐसे मुद्दे उठाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि समाजवादी पार्टी को जनता अगर वोट देगी तो मुलायम सिंह यादव के बेटे का विकास होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नेताजी के बारे में उन्होंने नाम दिया। देखिए, हम लोगों ने और पूरी तरह से विकास किया है, सड़कें बनाई, पुल बनाए और जनता को सुविधाएं दी, किसानों के कर्जे माफ़ किए और भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ कर नहीं रहे, केवल परेशानियां दी हैं जनता को, केवल जनता को परेशानियां दी हैं और जनता अब समझ चुकी है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ गिर चुका है, तो इस तरीके से ये बातें करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गुंडों की पार्टी या समाजवादी पार्टी, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आपका पैसा देखो। इनके जो बड़बोले हैं ना, हम बहुत कई बार बोल चुके हैं, बड़बोले हैं, इनके पास काम तो कुछ है नहीं, विभाग का कुछ काम है नहीं, विकास कुछ करेंगे नहीं है? और सब लोग समझते हैं इनका इतिहास क्या है, ये ही काम में संलिप्त रहे हैं, जो कह रहे हैं इसी काम में संलिप्त रहे हैं। राजभर ने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, बच्चे एकजुट हो जाए। मायावती के नाम पर आप क्या कहेंगे?